जी बिल्कुल, वही सवाल है मेरा भी कि पॉलिटिकल पार्टी कुछ का उसके बारे में नहीं बोल रही, एक अलग बात है, उनके अलग कुछ मजबूरियां हो सकती है। ईवीएम का आपने जिक्र किया है, लेकिन जो अलग अलग ट्रेड यूनियंस प्रस्थापित है कई सारे राज्यों में, जैसे हम अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी काफी सारे सालों से सत्ता में रही, वहां के ट्रेड यूनियंस काफी मजबूत रहे, केरला में भी उनके ट्रेड यूनियंस से उनकी सत्ता रही है। ऐसे में वो ट्रेड यूनियंस को तो जनता के पास नहीं जाना है वोट के लिए, या उनको उनको ईवीएम से चुनाव नहीं जीतना है, ट्रेड यूनियंस क्यों नहीं बोल रहे, प्रस्तापित तो जो कामगारों की संगठन है वो क्यों नहीं बोल रही? ये सवाल मेरा दोनों से है। मैं पीएन सोलंकी सर से जानना चाहूंगा कि ट्रेड यूनियन की ऐसी कौन सी मजबूरियां है जहां एक तरफ किसान 4 महीनों से आंदोलन चला रहे, वैसे इन लेबर लॉज के विरोध में ट्रेड यूनियन जो प्रस्तापित है वो कुछ आवाज उठाती हुई देश भर में दिखाई नहीं देती। सबसे पहला तो आपने ये बात रखी कि पश्चिमी बंगाल में मजदूरों की सरकार रही, मजदूरों के नाम से 35 साल तक सरकार रही कम्युनिस्टों की। जी, पर ये मेरा आंखों देखा अनुभव है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर कामगारों की है तो वो पश्चिम बंगाल में। आपको सुनकर हैरानी होगी कि यूपी से भी वर्कर माइग्रेट होते हैं गुजरात महाराष्ट्र साउथ में, और बिहार से भी उड़ीसा से भी माइग्रेट होते हैं, लेकिन बंगाल से वयस्क कामगार तो जाते ही हैं, पर बंगाल से बड़े पैमाने पे चाइल्ड लेबर भी जाते हैं, माइग्रेट होते हैं। 2012 को मैं इंदौर में पोस्टेड था तो बड़ी पैमाने पे बंगाल के जो बाल श्रमिक थे वो इंदौर में सराफा मार्केट में नियोजित थे, और वो किसी वर्कर के अपने पालकों के साथ नहीं आए थे, 10 साल के 12 साल के बाल श्रमिक, वो अकेले मजदूरी की तलाश में 10 12 साल के मजदूर बाल मजदूर वो भारत के विभिन्न राज्यों में काम करने, अकेले माँ बाप या उनके लोकल गार्जियन या गांव के लोग नहीं है, इन अकेले बाल मजदूर अलग अलग। तो भोपाल इंदौर में जब वो हमने 19 बाल मजदूरों को रेस्क्यू करवाया तो अधिकारी ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि ये जो 12 19 बाल मजदूर हैं इनको आप इनके गांव में छोड़ के आओ वेस्ट बंगाल में। कलेक्टर और एसपी के पीछे पत्रकार पड़े दुनिया भर के, उनसे सवाल जवाब के, आपके होते हुए बंगाल के बाल मजदूर इंदौर में कैसे नियोजित हुए, आपने कैसे आने दिया, ये किया वो, तो उनको वहां तत्काल हटाना था तो मेरी ड्यूटी लगा थी। मैं उनको वर्धमान और आसनसोल 19 बाल मजदूरों को छोड़ने गया तो मैंने देखा कि वो बाल मजदूर इंडिविजुअल आए थे, बाकी तो दूसरे बड़े मजदूर के साथ उनके माँ बाप के साथ आते, पर वहां तो इतनी गरीबी और भुखमरी है कि 10 साल 12 साल के बच्चे निकल जाते हैं काम की तलाश में, और वो भी दूसरे स्टेट में। तो इसका सीधा सा ये कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो सरकार है और जो मजदूर हितैषी अपना पक्ष रखती है, तो जितने भी मजदूर हैं वो मजदूर एससी एसटी बीसी और माइनॉरिटी के हैं, बिल्कुल और कामगार सारे एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी के, लेकिन जितनी भी ट्रेड यूनियन है उनके जो पदाधिकारी हैं वो सब बनिए और ब्राह्मण हैं। तो जी मालिक का धर्म और मालिक की जाति और ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी की धर्म और जाति एक ही है, इसलिए वो ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी अपने धर्म और अपनी जाति के जो उद्योगपति हैं पूंजीपति उनका इनडायरेक्टली वो सपोर्ट करते हैं, और मालिकों ने उन्हीं की जाति के व्यक्ति को ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी बना रखा ताकि कितना हड़ताल करना है वो जो कंट्रोल है वो उनके जी आदमी के पदाधिकारी के हाथ में रहे, और अगर हमारे वर्कर लोगों के हाथ में कंट्रोल हो जाएगा तो वो ज्यादा मालिकों के
विरोध विरोध में में जा होगा। सकते हैं जी। हाँ विरोध में, उदाहरण के लिए मैं एक बता देता हूं कि इंदौर में एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, तो उन्होंने उन्हीं की जाति और उन्हीं के धर्म के आदमी को, वर्कर तो हमारे थे, लेकिन वो पूंजीपति ने अपनी जाति के अपने धर्म के आदमी को ट्रेड यूनियन का बहुत बड़ा नेता बनाया। सारा का सारा वो लाल झंडे वाला सीटू वाले मामला चल रहा था, और आपको ताज्जुब होगा कि वो इतना ताकतवर हो गया मजदूर नेता, 1957 में वो इंदौर से विधानसभा में चले गए जी और 1962 में वो लोकसभा में चले गए। इतने बड़े ताकतवर हो गए। तो जी मजदूर, और आज भी वो एक ओवरफ्लाई बना तो सारे मजदूर, वो अभी एक्सपायर हो गए, तो मजदूर नेता झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं, इस ओवरफ्लाई का नाम हमारे मजदूर नेता के नाम पे रखा जाए। तो वो जो, अब मैं स्पष्ट कर दूं कि जाल साहब नाम के उद्योगपति थे और वो पारसी थे, और जी जो मजदूर नेता थे उनके, वो भी पारसी थे, होमीदा जी, आपने नाम सुना होगा। अभी जी 5 साल पहले होमीदा जी एक्सपायर हो गए, बहुत जोशीला भाषण देते थे, तो होमी दाजी को भगवान मानते थे हमारे मजदूर। तो जाल साहब ने ये सोचा होगा कि SC ST OBC के वर्कर है, पता नहीं हमारे कंट्रोल में रहे कि नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इसलिए उन्होंने उन्हीं के धर्म के, पारसी धर्म के आदमी को, होमी दाजी को उन्होंने ट्रेड यूनियन का लीडर बनाया। और सामान्य आदमी तो विधानसभा में नहीं जा सकता, तो मेरा यकीन है कि होमी दाजी को विधानसभा में भी पूंजीपति लोगों ने भेजा होगा 1957 में, और 5 साल बाद 1962 में वो इंदौर से लोकसभा में पहुंच गए। तो जी जितने भी ट्रेड यूनियन है, उन इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जितने भी पदाधिकारी है ट्रेड यूनियन के, इंटक के, एटक के, सीटू के, HMS के, BMS के, वो सब ब्राह्मण और बनिया और क्षत्रिय लोग हैं। वही लोग ट्रेड यूनियन चलाते हैं और हमारे वर्कर लोगों को वो कंट्रोल करते हैं। जी तो इसका बिल्कुल ये कारण है कि ट्रेड यूनियन पूंजीपतियों के साथ उनकी सांठगांठ है और वो उनके विरोध में नहीं जाते हैं, दिखावे जी। कुमार साहब के सर लिए थोड़ा जी बहुत वो हल्ला मचाते रहते हैं। अभी 26 नवंबर को एक दिन की हाँ स्ट्राइक की, स्ट्राइक की वो गई संबंधी हुई, केवल पेपर में घोषित किया उन्होंने, जबकि जी। भारत में 2012 के आंकड़े के अनुसार, सर्वे के अनुसार 48 करोड़ मजदूर हैं, और उन जी 48 करोड़ मजदूरों में से 93% असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। और अगर हम किसानों की बात करें तो 14 करोड़ किसान परिवार लघु और सूक्ष्म किसान है, 14 करोड़, जी और उसमें से 85% जो किसान है वो लघु और सीमांत किसान है, केवल 15% ही बड़े किसान है। तो 14 करोड़ किसानों का आंदोलन 100 दिन से चल रहा है या 4 महीने से चल रहा, और 50 करोड़ मजदूरों का 13-29 लेबर लॉ खत्म, तो उसकी कहीं चर्चा भी नहीं हो गई। सभी प्रतिष्ठापित ट्रेड यूनियन 26 नवंबर 2020 को एक दिन का पेपर में इश्तहार जारी किया, और सोशल मीडिया में थोड़ा कुछ हुआ हो हल्ला, और वो कहीं कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आया, जी नाम मात्र का उन्होंने ये किया कि हाँ हम ट्रेड यूनियन आपके मजदूरों के सपोर्ट में है और हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, इसलिए इतना से उनको संतुष्ट कर दिया। जी जी बिल्कुल। हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम इन मजदूरों की आवाज नहीं उठाते तो हमारी सदस्यता जो है वो कम हो जाएगी, लोग हमें छोड़कर दूसरे ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करेंगे। जैसा आपका ही राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ है, वो आवाज उठा रहा है, वो लगातार इसके बारे में बोल रहा है। तो प्रस्तापित जो ट्रेड यूनियन है उनको ऐसा लग रहा होगा कि अगर हम मजदूरों की, ये जो मजदूरों के लिए अगर नहीं बोलेंगे
तो यही मजदूर आरएमबीकेएस को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कुमार काले जी से भी इसके बारे में जानना चाहता हूं कि ट्रेड यूनियन जो प्रस्तापित है वो इन मजदूर कानूनों के विरोध में या उसके बारे में चर्चा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा क्यों है? संकेत, भारत में जितनी भी प्रस्तापित पार्टियां है, जी चाहे सेंट्रल की हो, राष्ट्रीय पार्टियां हो या रीजनल पार्टियां हो, इनकी अपनी एक खासियत है। खासतौर पर जो नेशनल पार्टियां है, इनके अपने खुद के ट्रेड यूनियन भी है, जी बिल्कुल, ये सही बात। इनके अपने मजदूर संगठन भी है, कांग्रेस के भी रहे हुए है, कम्युनिस्टों की भी है और बीजेपी के भी, जैसे भारतीय मजदूर संघ है, मजदूर संघ है जी, कम्युनिस्टों के भी है, हिंद मजदूर संघ है, कम्युनिस्टों की भी है, कांग्रेस की भी है। अब जिन मजदूरों के संगठन है उनके अपने पॉलिटिकल पार्टी के लोग पार्लियामेंट में है। जी अब ये श्रम कानून जो है इसमें संशोधन बीजेपी के द्वारा किया गया, और बीजेपी के ही दो बड़े राष्ट्रीय स्तर के लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियन है, भारतीय मजदूर संघ हो या हिंद मजदूर संघ हो, वो इन मुद्दों पर क्या भूमिका कर रहा है? कम्युनिस्टों के भी बहुत सारे सांसद जो है लोकसभा में है, तो वो संसद में इसको लेकर हंगामा कर सकते हैं, मगर वो हंगामा नहीं कर। जी असल में क्या है संकेत, कि अगर हम लोग थोड़ा सा उदाहरण के लिए अगर समझे, तो ये जो ट्रेड यूनियन है ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए शॉक ऑब्जर्व का काम करते हैं। जैसे गाड़ी में, फोर व्हीलर में शॉक ऑब्जर्व होते हैं, वो काम क्या करते हैं, जो गाड़ी तेज गति से चल रही है और रास्ते में अगर कोई गड्ढा आ जाए तो गाड़ी गड्ढे में जाएगी, टायर उसका गड्ढे में जाएगा तो जोर का धक्का लग सकता है, तो वो जो शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं वो शॉक को ऑब्जॉर्व करने का काम करते हैं। तो उसी तरीके से ये ट्रेड यूनियन भी जो है ये सिस्टम को लगने वाले धक्कों को ऑब्जॉर्व करने का काम करते, जी संगठनाओं के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, किसानों के द्वारा, सरकार के ऊपर, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टियां जो एक्सप्लॉइट करती है उनके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर हमले हो सकते हैं, धक्के हो सकते हैं, उनको व्यवस्था से हटाने का प्रयास हो सकता है, तो उसको डिफ्यूज करने के लिए ये ट्रेड यूनियन बनाए जाए। जी कांग्रेस ने इसकी नींव रखी, कम्युनिस्टों के द्वारा भी यही तरीका अपनाया गया। आपको याद होगा कि राहुल सांस्नित भी एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता रहे, उनके जीवन का एक किस्सा बताकर मैं ये अपनी बात रखना चाहूंगा कि वो जब जी रशिया गए तो रशिया में उनको एक कम्युनिस्ट के तौर पर बुलाया गया था, एक कम्युनिस्ट के तौर पर रशिया गया। एयरपोर्ट पर जब वो उतरे तो कुछ कम्युनिस्ट नेता उनका स्वागत करने के लिए गए, और उनका स्वागत करते समय उन्होंने राहुल सांस्कृतायन के हाथ में हाथ मिलाकर हैंडशेक किया। जब उन्होंने राहुल सांस्कृतायन के हाथ में हाथ मिलाया तो राहुल सांस्कृतायन केदारनाथ पांडे थे, एक ब्राह्मण जी परिवार से थे, और एक बहुत मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे परिवार से थे कि जहां कोई कष्ट, कोई मेहनत या कोई पसीना बहाने वाला काम तो कोई किसी ने पीढ़ी जाति किया नहीं था। तो एकदम किसी महिला के जैसे नाजुक हाथ होते हैं वैसे उनके कोमल हाथ, तो जब जी कम्युनिस्ट नेता ने उनका हाथ हाथ में लिया और एक महिला जैसे कोमल हाथ उनको लगे तो झट से उन्होंने अपना हाथ पीछे ले लिया। जी राहुल सांस्कृतायन को इस तरीके के ब्राह्मण होने के कारण कभी अनुभव नहीं था, तो उन्होंने उस कम्युनिस्ट नेता को पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो फिर उस कम्युनिस्ट नेता ने, रशियन नेता ने राहुल सांस्कृतायन को कहा कि आपके हाथ को देखकर लगता नहीं कि ये मजदूर के हाथ। जी राहुल सांस्कृतायन को उसने कहा कि आपके हाथ को देखकर नहीं लगता कि ये मजदूर के हाथ, क्योंकि मजदूर के हाथ जो है वो मेहनत से मेहनत से जब वो सख्त हो लोहा जाते हैं। चलाता है करता है तो सख्त होता है, ये तो ऐसे लोगों के हाथ, ये तो पूंजीपतियों के हाथ है जो घर में बैठकर खाने वाले मजदूर के शोषण करने वाले लोगों के हाथ। तो जी राहुल सांस्कृतायन ने लिखा कि उसके बाद मैंने किसी से भी हाथ नहीं मिला। ये एक उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि भारत में कौन कम्युनिस्ट है, कौन लेबर संगठन चला रहे, वो तो कोई मजदूरों के प्रतिनिधि नहीं है, वो जी मजदूरों की बात करते हैं तो मजदूरों का शोषण करने के लिए करते। इसलिए भारत को एक नए स्वतंत्र मजदूर संगठन की और आंदोलन की जरूरत है। तो वो भी जो है वो फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा पर आधारित मजदूर आंदोलन होना चाहिए। जी बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर ने मनमाड़ में इस बात को कहा था कि ब्राह्मण शाही और भांडवल शाही, जिसको उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद ये दोनों मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, तो भारत के जो ट्रेड यूनियन है ये पूंजीवाद का तो विरोध कर रहे हैं मगर ब्राह्मणवाद का समर्थन कर रहे। जी और ये जो सारे कानून लाए गए वो ब्राह्मणवाद की रक्षा करने के लिए लाए गए हैं। इस बात को हमको समझने की जरूरत है कि भारत में जो पूंजीवाद है
वो ब्राह्मणवाद के सहारे खड़ा है, और जब तक ब्राह्मणों का हाथ उनके सरों पर रहेगा तभी ही पूंजीवाद भारत में चल सकता है, क्योंकि बजट पर पूंजीवादियों का नियंत्रण नहीं है, बजट पर ब्राह्मणों का नियंत्रण है जी। और जब तक बजट पर ब्राह्मणों का नियंत्रण है तभी पूंजीवाद चल सकता है। इसलिए पूंजीवादियों को जो समर्थन है ब्राह्मणवाद का है, तो जो ट्रेड यूनियन चलाने वाले लोग है वो केवल पूंजीवाद पर हमला करते बैठेंगे और ब्राह्मणवाद पर विरोध नहीं करेंगे, तो पूंजीवाद का बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि पूंजीवाद के समर्थन में व्यवस्था खड़ी होगी, व्यवस्था ब्राह्मणवाद की। जी बिल्कुल, अभी इसलिए मिलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जी जी, एक आखिरी सवाल सोलंकी सर से ये है कि जैसे किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है, और ये किसान नेता भी जो है अपने भाषणों में, जो जितने भी अभी किसान महापंचायत हो रही है वहां पर जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि ये तीन कृषि कानूनों से पूंजीपतियों का किस प्रकार से फायदा होगा, यही बात श्रम कानूनों के लिए भी कही जा रही है कि इन श्रम कानूनों की वजह से जो बदलाव किए गए हैं इसकी वजह से पूंजीपतियों का फायदा होगा। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि किस प्रकार से ये फायदा उनको होने वाला है। ये जो किसान विरोधी तीन बिल पारित किए हैं जी, इसमें मुख्य बातें तीन हैं। जमाखोरी बढ़ेगी जी, कालाबाजारी बढ़ेगी और मुनाफाखोरी बढ़ेगी जी। जमाखोरी कैसे बढ़ेगी? पहले खाद्यान्न भंडारण की एक सीमा निर्धारित की थी गवर्नमेंट ने जी, कि इस इतनी सीमा के बाद कोई ज्यादा जमा स्टॉक नहीं रख सकता जी। अब उन्होंने उस स्टॉक की सीमा खत्म कर दी है, तो सीमा खत्म कर दी तो अभी व्यापारी पूरा अनलिमिटेड खाद्यान्न को वो स्टॉक कर लेगा जी। और जब उसका पूरा 10-20 उद्योगपति पूंजीपति लोग मार्केट का पूरा खाद्यान्न खरीद लेंगे और स्टॉक कर लेंगे, क्योंकि वो लिमिट है नहीं, वो कितना भी स्टॉक रख सकते हैं, तो मार्केट का सारा खाद्यान्न वो स्टॉक कर लेंगे। और स्टॉक करने के बाद जब मार्केट में जरूरत होगी आम पब्लिक को, तो वो मार्केट में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराएंगे। नेक्स्ट सोलंकी सर, ये जमाखोरी हो गई। सोलंकी सर, हाँ, कृषि कानून जो लाए गए हैं उसमें उससे पूंजीपतियों का किस प्रकार से फायदा होगा, ये तो इस पर काफी सारी चर्चा हो रही है, किसान नेता भी इसको बता रहे हैं, लेकिन अभी श्रम कानूनों में जो बदलाव हो रहा है उससे पूंजीपतियों का किस प्रकार से फायदा होगा, ये हमें बताइए भाई। फायदा कैसे? देखो, नंबर एक, अभी कुमार काले साहब ने बताया, पहले काम कार्य दिवस की परिभाषा 8 घंटे थी जी, अब उन्होंने कार्य दिवस की परिभाषा 12 घंटे कर दी जी। अगर कोई वर्कर से 8 घंटे काम लेते थे और अधिकतम 4 घंटे ओवर टाइम, तो 4 घंटे ओवर टाइम का डबल रेट से ओवर टाइम का भुगतान करना पड़ता, 8 घंटे की एक हाजिरी और 4 घंटे का डबल ओवर टाइम, मतलब 4 घंटे के 8 घंटे, तो उसकी डबल, उसकी एक हाजिरी तो 12 घंटे की 2 हाजिरी हो जाती जी, वो 2 दिन का। अब उन्होंने कार्य दिवस 12 घंटे, तो 12 घंटे का वो जो न्यूनतम वेतन है वो भी कहीं वेतन का भुगतान नहीं कर रहे, और 12 घंटे काम करवाएंगे तो उत्पादन ज्यादा होगा, उसकी बनिस्पत मजदूर को उसके श्रम का पारिश्रमिक कम मिलेगा जी, उसको उत्पादन ज्यादा होगा। दूसरा, इन्होंने साप्ताहिक अवकाश खत्म कर दिया है। दूसरा, जो एक शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट था उसमें ये प्रोविजन था कि सवेरे 8 बजे एस्टेब्लिशमेंट ओपन होगा, रात को 8 बजे क्लोज होगा, 12 घंटे से ज्यादा नहीं। अब उन्होंने इसमें परिवर्तन कर दिया, सवेरे 6 बजे एस्टेब्लिशमेंट खोल सकते हैं, रात को 12 बजे तक एस्टेब्लिशमेंट चालू कर सकते हैं। अब दुकान खोलना है तो सवेरे मजदूर जाएगा, 6 बजे दुकान खोलेगा, 5 बजे उसको जाना पड़ेगा, रात को 12 बजे दुकान बंद करके बाहर का सामान अंदर रख के उसको आना पड़ेगा, तो इतना लंबा समय काम करेगा लेकिन उसको उतना परिश्रम नहीं मिलेगा, उतना पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, तो ये
डबल काम, दो मजदूर का काम एक मजदूर से करवाया जाएगा वो जी। करवाएगा, तो नंबर ऑफ वर्कर वो कम रखेंगे। और जैसा आप सरकारी विभागों में जहाँ 50 की संख्या होती थी तो लोग रिटायर हो गए, एक्सपायर हो गए, प्रमोट हो गए, तो होते होते अब 10 स्टाफ रह गया, वो 10 स्टाफ 50 लोगों का काम कर रहा। तो ऐसा ही वर्कलोड जब वर्कर पे पड़ेगा तो उनका स्वास्थ्य सुरक्षा के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और इन ज्यादा काम करवाने की वजह से मालिक को फायदा होगा। जी जी फिर इन्होंने अभी एक पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में प्रोविजन किया है कि अब उसको नोटिस, पहले एक महीने का नोटिस देना पड़ता था या एक महीने का वेतन देके उसको काम से बंद किया जा सकता था, अब उन्होंने ये प्रोविजन कर दिया कि आपको 15 दिन का वेतन जमा कराना है। कहां लेबर डिपार्टमेंट में इस एक्ट में जो परिवर्तन हुआ, 15 दिन का वेतन जमा कर दिया, और मजदूर जब दूसरे दिन जाएगा तो बोलेगा तुम घर नहीं आ सकते, जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं, तो वो लेबर डिपार्टमेंट में जाएगा तो वहां उसको पता लगेगा कि तो सेवा समाप्त कर दी, हम 45 दिन में आपका खाता हमें ये ट्रांसफर कर देंगे, वो दिन का वेतन दे देगा। तो पहले एक महीने का वेतन, एक मंथ नोटिस या 1 मंथ पे, अब उसने उन्होंने 15 दिन का वेतन कर दिया, तो 15 का वेतन का फायदा हुआ ना पूंजीपति को। अगर पूरे भारत में 1 करोड़ वर्कर को काम से पृथक किया तो पहले 1 करोड़ लोगों को देता, एक ने का वेतन देना पड़ता था, अब इस कानून के तहत 15 दिन का देना पड़ेगा, तो ये फायदा हुआ कि नहीं एम्प्लॉय लोगों को, एम्प्लॉयर लोगों को, पूंजीपतियों को फायदा हुआ। तो ऐसे ओवर टाइम बढ़ा दिया, कार्य दिवस बढ़ा दिया, साप्ताहिक अवकाश बढ़ा दिया, और अभी ये 1 मंथ नोटिस और 1 मंथ पे इसको उन्होंने हाफ कर दिया। तो ये इससे स्वाभाविक है कि पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का फायदा हो रहा। जी बिल्कुल। कुमार काले जी, आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, उसके बाद हम इस चर्चा को समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे। संकेत, कोई ज्यादा बात मैं कहना नहीं चाहूंगा जी। पूंजीपतियों को अब एक सिंपल सा तरीका मिल गया, हायर एंड फायर, अपने काम के लिए लोगों को हायर करो और हायर करते समय मिनिमम वेजेस पर उसको हायर करो, और हायर करते समय कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पार नहीं होगी, वो जब चाहे मजदूरों का शोषण करने लायक बन जाएगा जी। पूरी तरह से पूंजीवाद का फायदा करने के लिए सारे कानून बनाए गए हैं, जिससे मजदूरों को जो पहले से ही बहुत ज्यादा पीड़ित है उसका और ज्यादा शोषण करके एक तरह से बाउंडेड लेबरशिप जो कॉन्स्टिट्यूशन ने खत्म कर दी थी उसे दोबारा पुनर्जीवित किया जा रहा है। लेबर मूवमेंट को खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां हुई, ये कानून जो है दोबारा हमको 130 साल पहले जो हम लोग कह सकते थे कि एक अंधेरा युग जो था जहां पर मजदूरों का एक शोषण किया जाता था, बाउंडेड लेबरशिप जो चलती थी उसी राज में दोबारा लेकर जाने का काम किया जा रहा है, तो इसका पुरजोर विरोध होने की जरूरत है, और इसके लिए जो मजदूर संगठन है उनको खुलकर विरोध करने के लिए मैदान में आकर लड़ने की जरूरत है। जी बिल्कुल, मैदान में आकर लड़े बगैर अधिकार नहीं मिलने वाले हैं, और सरकार जिस प्रकार से कोरोना का बहाना बनाकर जो लॉकडाउन लगा रही है, जो पाबंदियां लगा रही है, एक विरोध की आवाज को दबाने का काम हो रहा है, ऐसे में भी राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी हो या इन जैसे फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा पर काम करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार इन बातों का विरोध कर रहे, सरकार की नीतियों का विरोध हो रहा है। मैं पीएन सोलंकी सर से सर का आभार व्यक्त करता हूं, इसके अलावा कुमार काले सर इनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें समय दिया और महत्वपूर्ण विषय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने का काम किया, शुक्रिया सर। और इस चर्चा को अभी हम समाप्त करते हैं, लगभग 1 घंटे 1.25 घंटे से ज्यादा ये चर्चा हो गई है, आपका इस विषय पर क्या कहना है, क्या सोचना है, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, शुक्रिया।